हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड स्मार्ट टिप्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मानसून सीज़न आ गया है, जहां बारिश होने से हमें चिलचिलाती धूप गर्मी से थोड़ा राहत मिलता है, वहीं अगर हम इस मौसम में ध्यान ना दें तो कई बीमारियां होने की संभावना रहती है। इस मौसम में ह्यूमिडिटी अधिक होने के कारण बैक्टीरिया एंड वायरस ज़्यादा एक्टिव होते हैं तथा पानी भी दूषित होता है, जिसके कारण कोल्ड, कफ, डायरिया, कालरा, डेंगू, चिकनगुनिया, फंगल इन्फेक्शन इत्यादि प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि रेनिंग सीजन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, पानी हमेशा अच्छे से उबाल करके नॉर्मल करके ही पीजिए, क्योंकि इस मौसम में पानी ज़्यादा दूषित होता है और जब वाटर को बॉयल करते हैं तो लगभग सभी बैक्टीरिया मर जाते हैं और कुछ हद तक इम्प्योरिटीज़ भी दूर हो जाती है। दूसरा, जब भी आप बाहर से आएँ और ख़ास तौर पे जब बारिश में भीग गए हों, तो अपने हाथ पैर अच्छी तरीके से साफ़ करें साबुन या हैंड वॉश से। थर्ड, डोंट टच योर फेस टू मच। दोस्तों, जो फ्लू वायरस होते हैं वो हमारे शरीर में आँख, नाक और मुंह के रास्ते ही प्रवेश करते हैं और हमें बीमार कर देते हैं, इसलिए हमें अपने फेस को अपने हाथ से कम टच करना चाहिए, क्योंकि अनजाने में हम अपने हाथ से कई दूषित या संक्रमित चीज़ों को टच किए रहते हैं, जैसे किसी से हाथ मिलाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना इत्यादि, इसलिए हमें अपने हाथों को अच्छे तरह से क्लीन करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, यह तो हमेशा पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप अपने साथ एक सैनिटाइज़र रख सकते हैं या एक दो साफ़ हैंकी रख सकते हैं, जो ज़रूरत पड़ने पे आप अपने चेहरे को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ, अवॉइड ईटिंग स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड। फ्रेंड्स, इस मौसम में हमें बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए, क्योंकि वो लोग किस तरह का पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम नहीं जानते हैं, और इसमें वायरस बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। फिफ्थ, फ्रेंड्स, अपने घर के आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें, क्योंकि अधिकतर मच्छर ऐसे जगहों पर ही जन्म लेते हैं जैसे कि डेंगू के मच्छर। अगर आपके पास गमले हो तो ध्यान दें कि उसमें पानी ज़्यादा दिन तक इकट्ठा ना रहे। अगर आप कूलर यूज करते हैं तो उसके पानी को भी रोज़ रोज़ चेंज करते रहें। अगर आपके घर के आसपास सड़क के गड्ढे हो, नाला हो, कुछ ऐसे जगह पानी इकट्ठा हो रहा है जिसे आप दूर नहीं कर सकते हो, उस पानी में केरोसिन ऑयल का थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर दें, जिससे उस पानी में मच्छर ना पैदा हों, और हो सके तो अपने एरिया के नगर पालिका को इस तरह के गड्ढे के बारे में सूचित करें। सिक्स, यूज मॉस्किटो रिप्लेंट और मॉस्किटो नेट। फ्रेंड्स, जब भी आप बच्चों को बाहर लेकर जाएं, मॉस्किटो रिप्लेंट का इस्तेमाल करें और रात में सोते समय मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस मौसम में मच्छर जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिससे मलेरिया और डेंगू होने का चांस होता है। सातवां, फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम बारिश में भीग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे गले में खराश जैसा, थोड़ा सर्दी जुकाम जैसा लगने लगता है, तो उसको दूर करने के लिए हम हर्बल टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर्बल टी बनाने के लिए काली मिर्च, तुलसी के पत्ते, अदरक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको अगर हम डेली भी पिएँ तो उससे फ़ायदा ही होगा और जो इन्फेक्शन होता गले में होगा वो दूर हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रेंड्स, इस मौसम में ड्राई कपड़े पहनना चाहिए, ख़ास तौर पर अंडरगारमेंट्स, क्योंकि इस मौसम की वजह से कपड़े सूख नहीं पाते हैं, इसलिए आप एक्स्ट्रा अंडरगारमेंट्स रखें। अगर कपड़े अच्छे से नहीं सूखे हैं तो आयरन करके ड्राई कर लें, क्योंकि गीले कपड़े पहनने से फंगल स्किन इन्फेक्शन होने का चांस होता है। नेक्स्ट, फ्रेंड्स, इस मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे चौराई, मेथी, पालक, कैबेज को खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जर्म्स इस मौसम में एक्टिव हो जाते हैं और उसमें कीड़े भी निकलते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल हानिकारक होते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप बाहर से फल सब्जियां ले रहे हों तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वह फल सब्जी पहले से ही कटा हुआ ना हो, क्योंकि कटी हुई फल सब्जियों में बहुत ज़्यादा जर्म्स एक्टिव हो जाते हैं। कोई भी फल या सब्जी का इस्तेमाल करने से पहले उसे बहुत अच्छे से धुल लीजिए। फ्रेंड्स, इस मानसून सीजन में तला हुआ खाना खाने से बचें, क्योंकि हाई ह्यूमिडिटी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो बना देती है, जिससे खाना ठीक से नहीं पचता है। नाउ सम टिप्स फॉर चाइल्ड केयर ड्यूरिंग रेनिंग सीजन। बच्चों के कमरे हमेशा साफ सुथरा और ड्राई रखें। फ्रेंड्स, बच्चों को नहलाते समय या उनके कपड़े क्लीन करते समय आप डेटॉल या कोई भी डिसइंफेक्शन लिक्विड का इस्तेमाल करें। बच्चे के टॉय वगैरह को बहुत अच्छे से क्लीन करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, इस मौसम में मच्छर काटने का खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए आप जब भी बच्चे को बाहर ले जाएं, फुल स्लीव के टी शर्ट पैंट पहनाकर ही ले जाएं। बच्चा को डिहाइड्रेशन ना हो, इसलिए आप बीच बीच में पानी पिलाते रहिए।
बच्चे को हमेशा ताज़ा और गर्म खाना ही खिलाएं, ऐसा कोई भी खाना ना खिलाएं जो ढका ना हो। बच्चे को गंदे पानी में खेलने ना दें, अगर वो खेल लेते हैं तो आप उसे घर पे ला के वार्म वाटर से नहला दें। इस मौसम में बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, इसलिए आप विटामिन सी और ऐसी फ्रूट्स वेजिटेबल्स खिलाइए जिससे इनका इम्यून सिस्टम बढ़े।